दोस्तों, अगर आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट अनब्लॉक हो चुका है, ठीक है, या फिर इनएक्टिव हो चुका है आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल से। लेकिन हाँ, आपकी वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई बताने वाला सब कुछ लाइव करके आपके सामने स्टेप बाई स्टेप, और आपको दिखाएगा भाई करके कैसे अनब्लॉक करना, कैसे एक्टिवेट करना है आपके अकाउंट को, वो भी सिंपल तरीके से। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे पूरा, तो आपका अकाउंट कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सिंपल प्रोसेस साथ में, और आपका हो ही जाएगा, 100% वर्किंग है, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आता रहेगा। फ्लिपकार्ट के, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे आ जाए भाई। यहाँ पर आने के बाद भाई आपको सिंपल भाई मैं दिखाता हूँ पहले भाई कि मेरा अकाउंट कैसे अनब्लॉक है, कैसे इनएक्टिव हो चुका है। मैं आपको इसको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव करके आपके। तो भाई यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई मेरे की OTP आती है, भाई अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आने के बाद भैया मैं इस पर क्लिक कर, भाई OTP तो आती है लेकिन भाई अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्लिक कर, तो भाई देखो यहाँ पर ऑप्शन लेके आ रहा है, इनएक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कस्टमर सपोर्ट। भाई इसका मतलब कि फ्लिपकार्ट कह रहा है कि भैया फ्लिपकार्ट से सपोर्ट कीजिए कस्टमर केयर से, ठीक है, ये कस्टमर सपोर्ट से आप कॉल की जो भी करना हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक ओपन नहीं हो रहा है। अब भाई हमको भाई यहाँ से कैसे इसको अनब्लॉक करते हैं, कैसे इसको चालू करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस साथ में भाई बताने वाला सब कुछ लाइव करके आपको, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको सिंपल बैक आ जाना है भाई, आपको अपने क्राम ब्राउज़र को जाना है और वो क्राम ब्राउज़र को आपको ऑन करना, ठीक है भाई। आप किसी भी ब्राउज़र पर कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे हिसाब से क्राम ब्राउज़र ही ओपन कीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है, ठीक है। पहले तो भाई यहाँ पर आपको flipkart.com लिखना है, इसके बाद आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं करता हूँ flipkart.com को ऑन, और भाई यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है, ताकि लैपटॉप की तरह स्क्रीन पर दिखे, ठीक है, मतलब छोटा स्क्रीन दिखे तो ही एक वर्किंग काम करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको आने के बाद भाई यहाँ पर सिंपल आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है लॉगिन के ऑप्शन पे, और भाई यहाँ पर लिखा फॉरगेट, भाई आपको इसका पासवर्ड को फॉरगेट करना है, ठीक है। बस आप ट्रिक को देखना चाहिए, मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे फॉलो करना है और कैसे अकाउंट आपका अनब्लॉक होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर करने के बाद आपको सिंपल भाई आपको फॉरगेट में क्लिक करना है, ठीक है, आप क्योंकि भाई आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है, ठीक है। यहाँ पर भाई यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको भाई यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, OTP, सेट पासवर्ड। भाई आपको यहाँ पर आपके नंबर पे OTP आएगी, आपको सिंपल OTP को डाल देना है, इसके बाद आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर चूज कर लेना, ठीक है भाई। पासवर्ड याद रखते भाई, क्योंकि भाई आपको लॉगिन करने के लिए आपको वही पासवर्ड लगेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं एंटर कर दे OTP, भाई मैं पासवर्ड भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अपने मन से, ठीक है। अब भाई आपको भाई सिंपल भाई कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर आपको इनएक्टिव में क्लिक कर देना है, रीएक्टिवेट में, ठीक है, तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर आपको सिंपल लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से और नीचे पासवर्ड जो आपने अभी बनाया था, ठीक है भाई। जैसे कर लोगे भाई तो आपका अकाउंट भाई लॉगिन हो जाएगा और आपका अकाउंट सॉल्व हो चुका है आपका प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई इस टाइप से भाई यूज़ करके आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और भाई इसी टाइप के बस आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना, आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्लस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलाता रहेगा फ्लिपकार्ट की टिप्स ट्रिक की वीडियो। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो ताकि भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी ऐसे एंगल क्या है जो आपको जरूरत है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।